आज के वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको फेसबुक यूज करना नहीं आता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप फेसबुक को यूज करेंगे और आप अपने फेसबुक में किस तरीके से प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। सोराज में इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप फेसबुक को यूज करेंगे, अपने प्राइवेसी को किस तरीके से आप सेटिंग करेंगे ताकि आपके फेसबुक को कोई भी हैक नहीं कर सके, और किस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बनना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक अकाउंट बनाना, अपने प्राइवेसी को सेटिंग करना और फेसबुक को परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से फेसबुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन कीजिएगा। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। नीचे आप देखिएगा क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ज्वाइन फेसबुक, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू भी आप फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं या सिंपली नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता होगा नन ऑफ द अबव, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पर अपना सरनेम डालना है। चलिए मैं अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर मैं अपना सरनेम डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। फर्स्ट नेम और सरनेम डालने के बाद यहां से नेक्स्ट कीजिएगा। यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको बोला जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने प्राइवेसी के लिए आप अपना यहां पे जो आपका रियल डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं डालिएगा, बल्कि आप इसमें से कुछ भी चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ भी चूज कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, तो आप अपना जेंडर इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता होगा मोबाइल नंबर, और नीचे देखिएगा आपको एक ऑप्शन मिलता होगा साइन अप विथ ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप अपने यहाँ फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी बना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप मोबाइल नंबर से बनाइए फेसबुक पे अकाउंट या ईमेल एड्रेस है, आगे का प्रोसेस सेम ही होगा। चलिए हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस चूज कर लेते हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है। इसमें से आप जो भी ईमेल एड्रेस रखना चाहते हैं चूज कर लेना है, या नीचे यूज ए डिफरेंट ईमेल एड्रेस है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद सिंपली यहां से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहां पे बोला जा रहा है कि पासवर्ड को चूज करने के लिए, तो आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं आप अपना पासवर्ड यहां पे डाल दीजिए। यहां देखिए मैंने पासवर्ड को चूज कर लिया है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपका करना क्या है, यहां नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। यहां पे देखिए कि आपको बोला जा रहा है साइन अप, अब आपको क्या करना है साइन अप वाले पे क्लिक कर देना है। यहां पर देखिए कि आपका अकाउंट यहां पे क्रिएट हो रहा है। यहां पे देखिए आपका अकाउंट यहां पे क्रिएट हो चुका है और यहां पे देखिए साइन इन यहां पे हो रहा है। यहां पे ऑप्शन आ जाता है आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, पासवर्ड अगर सेव करते हैं अपना पासवर्ड तो आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, या आप यहां नोट नाउ पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। चलिए हम यहां सेव पासवर्ड पर क्लिक करके इसको मैं सेव कर लेता हूं। तो आप यहां पर कुछ आपको इस तरीके से ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहां पर देखिए आपका ईमेल आ गया, यहां पर आपका पासवर्ड आ गया, तो आप अपने रिकॉर्ड के लिए इसको आप स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हैं। सिंपली ओके वाले पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको फ़ोटो ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए चूज फ्रॉम गैलरी या टेक ए फोटो, तो यहाँ पे फ़ोटो को
क्लिक करके भी लगा सकते हैं या फ्रॉम गैलरी में से ही लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं फ़ोटो को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको भी कोई भी फ़ोटो तत्काल आप लगा लेना है या आपको मिलता है आपको फ़ोटो इसमें से गैलरी में तुरंत, तो आप लगा लीजिए। या चलिए मैं इसमें से एक फ़ोटो को यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं फ़ोटो पर क्लिक करूँगा, यहाँ डन वाले पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से फ़ोटो को एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ सेव वाले पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसकी फ़ोटो है आप कुछ प्रोफाइल में यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आपको फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। यहाँ देखिए कि परमिशन को बोल रहा है अलाउ करने के लिए, आप परमिशन अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे पे अलाउ करते हैं तो यहाँ पर परमिशन है इसको, यहाँ पर देखिए कि आपका जो फ़ोटो लगाया है फ़ोटो आ चुका है। यहाँ पे जो है क्लिक करके आप इसमें से फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो भी फ्रेंड होगा वो आपको न्यू फ्रेंड आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी ऑल फ्रेंड होगा वो ऑल फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं अभी बनाया हूँ इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे फेसबुक की तरफ से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस वाले में आपको वो नोटिफिकेशन शो होगा। होम वाले पे जाके यहाँ पे आपका पूरा होम मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका पूरा यहाँ पे होम है। यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट सम हेयर, इस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो है कुछ यहाँ पे राइटिंग कर लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे राइटिंग लिख देता हूँ हेलो, इस तरीके से। इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप जो है इसमें से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ ऊपर पोस्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो भी पोस्ट है आपका यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट हो चुका है। ठीक है, तो और लगाने के लिए यहाँ फोटो वाले पर क्लिक कीजिएगा। फोटो आप गैलरी में से लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, जो भी फोटो वीडियो लगाना चाहते हैं आप इस तरीके से चूज करके, यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से चूज करूँगा, नेक्स्ट वाले पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपका ये जो फोटो है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रेंड है तो यहाँ फ्रेंड वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए कि आप पब्लिक रखना चाहते हैं, प्राइवेट फ्रेंड को भेजना चाहते हैं या आपका जो भी फ्रेंड है ढेर सारा उसमें से कुछ को हटाना चाहते हैं तो इस वाले पे क्लिक कीजिएगा और इसमें से आप नाम जो है सर्च कीजिएगा जिसको आप नहीं दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर नाम सर्च के उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ मोर वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ स्पेसिफिक फ्रेंड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ जो भी फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं वो सारे को यहाँ पर आपको टिक कर देना है या सिर्फ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओनली मी वाले पर क्लिक कर देना है। चलिए जैसे हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं तो पब्लिक वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर बैक आ जाना। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपको है से समथिंग अबाउट दिस फोटो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ हाई, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बैक आएंगे, यहाँ पे कुछ इमोजेस है, इमोजेस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, फोटो वीडियो यहाँ पे टेक पोपल पे क्लिक करके जो भी आप फ्रेंड है आपका रहेगा उसको आप इसको शो कर सकते हैं और उसका जो गैलरी में वो शो होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है और मैं जो भी फोटो यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, ठीक है, इस वाला पोस्ट वाले पर क्लिक कीजिएगा और ये आपका जो पिक है फोटो है वो आपको यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अपलोडिंग यहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे अपलोडिंग हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। यहाँ से आप लाइक कर सकता है, कमेंट और शेयर कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ग्रुप बना सकते हैं। इसके बाद वीडियो जो सेव कीजिएगा वो आएगा, पेजेज आएगा, इसके बाद इवेंट आएगा, गेम्स आएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा अपने फेसबुक को ज़्यादा सेफ्टी करने के लिए। यहाँ पे आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है सेटिंग्स का, तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपने जो पासवर्ड है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो भी करंट पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना है। न्यू पासवर्ड बनाने के लिए आपको न्यू पासवर्ड यहाँ डालना है, इसके बाद दोबारा से यहाँ पे आपको वही पासवर्ड को कन्फर्म कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ फॉरगेटिंग पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे फॉरगेटिंग पासवर्ड क्लिक करके आप दूसरा पासवर्ड को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाता है, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अब इस वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन मतलब अगर आप कोई भी न्यू डिवाइस पर ओपन होते हैं तो अगर आप पुराने डिवाइस पर ओपन हैं फेसबुक पर तो आपको पुराने डिवाइस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा।
टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि अगर आप नए डिवाइस पे ओपन हैं तो आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड डालिएगा तभी आप न्यू डिवाइस पे ओपन हो पाइएगा। नहीं तो आप अगर आपके मोबाइल पर कोड आया हुआ है वो नहीं डालिएगा तो फिर आप नए डिवाइस पे जो आप ओपन होना चाहते हैं फेसबुक पे, तो वहाँ पे आप ओपन नहीं हो सकते हैं। तीसरा है सिक्योरिटी की, तो आपके फेसबुक अकाउंट पर ठीक है एक कोड आएगा, वो कोड डालिएगा तभी आप ओपन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन है, इसमें से कोई भी तीन ऑप्शन चूज करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कंटिन्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ देखिए अपना मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली क्या करना है आपको यहाँ से कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इस तरीके से मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली कन्फर्म वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो टू फैक्टर जो है यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि आपका जो मोबाइल है ये मोबाइल, इस पर आपको एक कोड गया हुआ, कोड डालने के बाद कंटिन्यू कर देना है, तो आपका जो ये जो है परमानेंटली यहाँ पर देखिए कोड आ चुका है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कोड डाल देता हूँ, इस तरीके से आपको कोड डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पर कोड डाल दिया हूँ, इस तरीके से कोड डाल देना है आपको। कोड डालने के बाद सिंपली यहाँ से देखिए कि आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन है, कंटिन्यू वाले पर क्लिक कीजिएगा, तो आप यहाँ पे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपके फेसबुक पे लग चुका है। अब ये आपका जो है यहाँ पर देखिए डन वाले पे क्लिक कीजिएगा। डन वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि आपका ये कंफर्म हो चुका है। अगर आप जो है किसी न्यू डिवाइस पर ओपन होना चाहते हैं तो आपके ये मोबाइल नंबर पर जो है एक कोड आएगा, कोड डालिएगा तभी आप जो है ये फेसबुक अकाउंट पर नए डिवाइस में ओपन हो पाइएगा। नहीं तो आप फिर से जो है दोबारा से कोई भी नए डिवाइस को ओपन नहीं हो पाइएगा। ठीक है, तो ये होता है सिक्योरिटी की का मतलब। इसके बाद हम बैक आते हैं, ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार ये ट्रिक है। इसके बाद यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और ढूंढ लेना है। यहाँ पर देखिए प्राइवेसी एंड सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आप जो अपना पोस्ट है कि सबको दिखाना चाहते हैं, तो इस वाले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं या आप स्वयं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पब्लिक वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि आप पब्लिक दिखाना चाहते हैं, फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं या फ्रेंड्स एक्सटेंशन जो आपका फ्रेंड का फ्रेंड है उसको दिखाना चाहते हैं, तो इसको आप इस पर नाम सर्च कीजिएगा जो भी नाम से रहेगा, तो उसको अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहां से उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद यहां सी मी पर क्लिक कीजिए या स्पेसिफिक फ्रेंड पर क्लिक करके जो भी आपको फ्रेंड रहे होगा उसको आप यहां से दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर आप ओनली वन में आप खुद ही देखना चाहते हैं तो आप यहां पर ओनली मी वाले पर क्लिक करके आप ये वाला रहने दीजिएगा। अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक वाले पर क्लिक करके पब्लिक और ही रहने दीजिएगा। इसके बाद सिंपली आप इसमें कुछ टाइपिंग कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पोस्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पर देखिए पोस्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये जो है आपका पोस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर देखिए कि लिमिट हु कैन सी पोस्ट, आप किन सबको ये अपना जो पोस्ट किया उसको दिखाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से लिमिट पोस्ट वाले पे क्लिक करके इसमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि आपका जो है हाईलाइट का ऑप्शन आ जाता है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। यहाँ पर देखिए कि हु कैन सी फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप किस सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं वो आप भी बनकर भेजना चाहते हैं या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड मतलब आपके फ्रेंड का फ्रेंड है उसको भेजना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका फ्रेंड का फ्रेंड है वही वो आपको जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो देख पाएगा। अगर आप सभी को भेजना चाहते हैं तो एवरीवन पर क्लिक कर देना है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिएगा तो जो सभी के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से फिर से हम बैक आया, यहाँ पर देखिए कि आप जो ईमेल एड्रेस है आप किस सबको दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस वाले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते यहाँ पर देखिए आप सभी को दिखाना चाहते हैं, आपका फ्रेंड है उसका फ्रेंड है उसको दिखाना चाहते हैं तो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है, वही देख पाएगा। अगर आप सिर्फ फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड वाले पर क्लिक करेंगे, अगर आप सिर्फ आप खुद ही देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ओनली मी वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो या आप सभी को दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ ईवरी वन वाले पर क्लिक कर देंगे तो वो सभी देख लेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर आप अपना प्राइवेसी रखना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सभी मेरा फ़ोन नंबर देखें तो आपको यहाँ एवरीवन पर रहने देना है। आप चाहते हैं कि मेरा फ्रेंड है उसका फ्रेंड का फ्रेंड देखे तो आपको ये वाला पे क्लिक कर देना है। आप चाहते हैं कि सिर्फ फ्रेंड देखे तो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है, और आप चाहते हैं कि कोई नहीं देखे सिर्फ मैं ही देखूँ तो ओनली मी वाले पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है ये ओनली मी वाला ही रखिए, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर रखिएगा तो वो जो मोबाइल नंबर से आपको कोई भी ट्रेस कर सकता है और आपका मोबाइल का
दुरुपयोग कर सकता है, ठीक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं शो कराइए, यहाँ पे ओनली मी वाले पे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए कि आप जो है अपने फेसबुक को सर्च इंजन के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परमिशन दे देंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं, कोई होता है ना कि कोई सर्च करता है फेसबुक पे या कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पे आपका नाम आ जाता है, तो आप इसको परमिशन दे दीजिएगा। अगर चाहते हैं कि कोई मेरा नाम को सर्च करे नहीं आए तो यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ डिसेबल कर देना है, तो ये आपका ये परमानेंटली यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कोई भी सर्च करेगा तो वो जल्दी नहीं आ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आए तो यहाँ पर इसको अलाउ कर देना है, ठीक है, ये आपका अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहते हैं कोई पर्सन को हम ब्लॉक करें तो यहाँ ब्लॉक बटन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ऐड टू ब्लॉक लिस्ट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जिसको भी ब्लॉक करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे नाम टाइपिंग कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ, इस तरीके से नाम टाइप कीजिएगा तो आप जिसको भी अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो उस आपको उसको ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लॉक वाला ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ से इसको ब्लॉक कीजिएगा तो वो जो आपको सर्च करेगा तो आपको वो आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक हो चुका है। सो इस तरीके से आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके यहाँ ब्लॉक वाले क्लिक कीजिए तो यह अनब्लॉक भी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी पर्सन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। आपका कितना भी पुराना फोटो और वीडियो हो, आप चाहते हैं कि अपना फोटो और वीडियो को वापस लाए तो आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप जो है फोटो और वीडियो, कितना भी पुराना क्यों ना फोटो हो, वीडियो हो, 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल पुराना, वो सारे फोटो और वीडियो को आप यहाँ से वापस ला सकते हैं। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बताऊँगा जिससे आप बहुत ही आसानी से अपना फोटो वीडियो मैसेज आइटम, यहाँ पर देखिए कितना सारा पोस्ट है, वो सब आप यहाँ से वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जो आप फोटो वीडियो जो डिलीट हो चुका है, जो पोस्ट किए हुए हैं उसको आप वापस ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर आप ढूंढ लेना है। इसमें से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, यहाँ पर देखिए अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस देखने को, यहाँ पर देखिए डीएक्टिव एंड डिटेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डीएक्टिव अकाउंट और डिलीट अकाउंट। तो आप चाहते हैं कि मेरा अकाउंट है डीएक्टिव अकाउंट हो जाए, मतलब आपका अकाउंट हाइड हो जाए और जब भी आप चाहें तो आप उस पर लॉगिन हो सकते हैं और आपका अकाउंट को कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाए तो आप यहां से डिलीट अकाउंट वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहां से मैं आपको बता दूं, यहां से आप अपना अकाउंट को डिलीट करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर में अगर आप जो अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दिए तो फ़ोन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के आप 30 दिन के अंदर अंदर में लॉगिन हो जाते हैं तो आप जो है अकाउंट आपका जो है नहीं डिलीट होगा। अगर आप 30 दिन तक में आप जो है अपना अकाउंट जो है फेसबुक अकाउंट इस पर लॉगिन नहीं होते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट को डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाले पे जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है, कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन। यहाँ पर देखिए कि आपका अकाउंट डिलीटेशन का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे डिलीट अकाउंट वाले है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं बनाए हैं वो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपका अकाउंट है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर में लॉग इन नहीं होते हैं तो ये आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर में लॉग इन हो जाते हैं तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। सो गाइस ये कुछ क्या था जिससे आप अपने फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसका प्राइवेसी की सेटिंग कर सकते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं, मैं होम पे आता हूं, होम पे आने के बाद जो है आपको यहां मैं कुछ पोस्ट करके दिखाता हूं। तो यहां थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है व्यू योर प्रोफाइल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन हो क्या आता है, यहाँ ऐड कवर फोटो, यहाँ पे अपना जो ऐड कवर फोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपलोड फोटो कर सकते हैं, यहाँ क्रिएट कवर कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट फेसबुक से ले सकते हैं, यहाँ और या अपलोड फोटो पर क्लिक करके अपना गैलरी में से यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर कोई फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको कोई फोटो कवर फोटो को लगा लेना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो को इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर डन वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड कवर फोटो है, यहाँ पे आपका फोटो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फोटो प्रोफाइल पे जो है
यहाँ प्रोफाइल में अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कवर फोटो में ये मेरा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ लाइक कमेंट और शेयर जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कवर फोटो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको गैलरी में जहाँ भी रहेगा वहाँ से फ़ोटो को आप सेलेक्ट करके दूसरा फ़ोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस बार ये फ़ोटो लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेव वाले पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर देखिए यह फ़ोटो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इस तरीके से आपको यहाँ पर फ़ोटो आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है अपना करंट टाउन सिटी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पे अपना जो ये प्रोफाइल को पिक्चर को दोबारा से यहाँ एडिट कर सकते हैं। कवर फोटो को एडिट करके हटा सकते हैं। बायोडाटा अपना जो भी बायो है मतलब आपका एड्रेस है वो एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं, करंट सिटी, वर्क प्लेस, एजुकेशन, होम टाउन, इस तरीके से आपको हॉबी क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्दर का ऑप्शन है, यहाँ पर अपना फर्दर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ अपने जो है लिंक है, लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बैक आने के बाद यहाँ पे आपका फ्रेंड का जो भी फ्रेंड्स है वो आपका पूरा फ्रेंड आ जाएगा। यहाँ पे सीप ऊपर वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आप पोस्ट वगैरह किए रहेंगे वो सारे पोस्ट भी यहाँ पे आपका आ जाता है। यहाँ पे देखिए मैं पहले किया था, मैं आपको दिखाया था, वो सारे के सारे यहाँ पे आपका आ जाता है। सो गाइस, इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से फेसबुक पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपने प्राइवेसी को सेटिंग कर सकते हैं और हमेशा के लिए आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करके हटा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।